रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बनूफी ट्राइफल, बनूफी पाई, और इसके दो तीन और भी नाम हैं मगर मैं इसको बनूफी पाई ही बोलूँगी। मेरे पास ये 3 से 4 अदद पैकेट थे बिस्किट्स के। ये मीठे बिस्किट्स हैं या क्रैकर्स भी आप ले सकते हैं। ये 4 रोल थे बड़े वाले, तो ये मैंने इनको ले लिया। अब इनको हम तोड़ लेंगे अच्छी तरीके से। आप इनको फूड प्रोसेसर में भी तोड़ सकते हैं या आप इसको बारीक ग्राइंड कर लें मक्खन डाल के या कुमैल डाल के। किसी भी चीज़ की मदद से आप इसको बिल्कुल बारीक बारीक कर लीजिएगा, बिल्कुल सॉफ्ट सा चूरा सा बना लीजिएगा। अच्छा, हमने ये सारे बिस्किट्स को अच्छी तरीके से चूरा कर लिया है। ये थोड़ा मोटा और बारीक सा चूरा है। अब हम इसमें बटर शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा कम है बटर। बाउंड करने के लिए डाला जाता है, अच्छी तरीके से बाउंड कर देगा सारे बिस्किट्स को। और अगर आपके पास कम हो तो आप थोड़ा सा कुमैल ऐड कर लीजिएगा। जिस बाउल में आपको पाई तैयार करनी है आप उसमें इसको डालते जाएं। हमारे पास तकरीबन 8 अदद केले हैं, हम इनका शेक बना लेंगे। क्योंकि ये साबुत केले नहीं डालूंगी मैं, क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं आते। ये मेरे पास थोड़ी सी बची हुई हाफ़ क्रीम थी, मैं इसको इसमें ऐड कर दूंगी। मेरे पास क्रीम थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है, और मेरे पास आधा अदद केले थे। हम अब इनका शेक बना लेंगे। मैंने इसमें शक्कर ऐड नहीं किया है, इसको सिंपल सा बना लेंगे। अच्छा, अब ये बिस्किट हमने सेट करके रखे थे। अब ये केले का जो हमने शेक बनाया है हम उस पर डाल देंगे, ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सेट होने के लिए छोड़ देंगे। इसको आधे घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देते हैं। अब हम अपनी कैरमल तैयार करते हैं। कैरमल बनाने का सबसे आसान और अच्छा तरीका ये है कि आप 1 कप शक्कर लें और उसमें पानी डाल के इसको हल्के हल्के चला के कैरमल बना लें। इससे फटाफट कैरमल बन जाती है। कैरमल बनाने का पहला तरीका तो ये है सबसे इजी कि आप कुमैल यानी कंडेंस मिल्क लें और उसको प्रेशर कुकर में आधे घंटे के लिए ढक के तेज़ आंच पे पकने के लिए छोड़ दें। तो आप जब टिन उसका खोलेंगे तो कैरमल बन के तैयार हुई हुई होगी। लेकिन सबसे ईजी तरीका मुझे शक्कर का ही लगता है। कैरमल बनाने का दूसरा तरीका ये है कि हम एक सिंपल सा सादा सा पैन लेंगे जो बिल्कुल खुश्क होगा और उसमें हम 1 कप शक्कर ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें शक्कर ऐड करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसको बिल्कुल भी चम्मच नहीं लगाना है हमें, क्योंकि अगर जब हम इसमें चम्मच लगा देंगे तो ये ख़राब होने का चांस होता है इसका। बहुत धीमी आंच पे इसको पकने देंगे। देखें, हमें इस तरह पानी ऐड करना है हल्के हल्के से और किनारों पे डालना है। अब बस हम इसे पकने देंगे। शुरू में थोड़ा सा हम फ्लेम तेज़ कर सकते हैं, उसके बाद हम चूल्हा बिल्कुल स्लो रखेंगे। जब ये पकना शुरू हो जाएगा तो हम चूल्हे को यानी अपने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे। देखिए पकना शुरू हो गई है, बस इसको हल्का हल्का ऐसे ही हिलाएंगे। कैरमल इसी तरह बनती है। 1 कप शक्कर में हम थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं और इसको पकने देते हैं तो ये थोड़ा सा क्रीमी क्रीमी ब्राउन हो जाएगी। फिर हम इसमें अपनी दूसरी अज्जा ऐड करेंगे। थोड़ी सी क्रीमी क्रीमी सी हो गई है, यानी इसका थोड़ा कलर ऐसा हो गया है कि ये थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी। एक दफ़ा भी मैंने इस पर स्पून नहीं चलाया, बल्कि इसकी पोजीशन चेंज की। इस पर स्पून अगर आप चलाएंगे तो ये सारी ख़राब हो जाएगी और सख्त भी हो सकती है, फिर ये आपके मतलब कि कैरमल तैयार नहीं होगी। इसकी पोजीशन चेंज कर रही हूँ। देखो इसका कलर अब डार्क हो गया है। अब इस पोजीशन पे तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब बटर ऐड किया है मैंने। हम इसमें थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे और इसको फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे। अब इसको हम मेल्ट करेंगे और ये तैयार हो जाएगी। और इसी पोजीशन पे हम 1/2 कप दूध ऐड कर रहे हैं, मिल्क है ये। 1/2 कप मिल्क ऐड करेंगे और इसको लगातार चलाएंगे, लगातार। ये देखो, वरना ये ख़राब हो जाएगा। ये कैरामल हमारा ये, और भी स्लो करना है हमें फ्लेम, इसको रुकना नहीं है। नॉन स्टॉप हमें इसको चलाना है, नॉन स्टॉप मतलब 15 मिनट तक तो ये इसी तरह हमें चलाना पड़ेगा। थोड़ी मेहनत है लेकिन बहुत अच्छा कैरामल तैयार होता है। ये बहुत ज़्यादा लजीज होता है, बहुत ही टेस्टफुल होता है। बिल्कुल तैयार हो गया है। हल्की आंच पे किसी भी सॉस पैन में हम इसे निकाल लेंगे कि ये ठंडा हो जाए। और इसको ये भी बहुत तेज़ गर्म हो रहा है। ये हमारा कैरामल तैयार हो गया है। आधा घंटा ये फ्रीज़ हो चुका है। अब ये हमने इस फॉर्म में निकाल लिया है। मैंने इसमें पहले बिस्किट का चूरा, मतलब जो बिस्किट की बेस थी वो बिछाई थी और बनाना शेक बना के इस पर स्प्रेड किया था। अब हमारे पास ये सिंपल सी क्रीम है। हम इसको, ये क्रीम है व्हिप क्रीम कह लें या मिल्क क्रीम, अब हम इसको फेंट लेंगे ताकि अच्छी तरीके से मैश हो जाए। हमने बिस्किट्स की छोटी छोटी बॉल्स बना ली थी, यानी टॉफ़ीज़ की शक्ल में। हम इस पर कैरामल स्प्रेड करेंगे। ये थोड़ा सा कैरामल बचा है, थोड़े से बिस्किट्स मेरे पास बचे थे तो मैंने इनकी बॉल्स बना ली थी और कैरामल डालकर मैं इनको टॉफ़ी की तरह बना के इस पर डेकोरेट करूँगी। मेरी रेसिपीज़ को लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए और प्लीज़ मुझे बताइए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना, अपने प्यारों का सबका ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।